सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू गेम रॉक्स टेक। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे रोग फोन 3 का आर्मरी क्रिएट अपने रोग फोन 2 पे एक्टिव कर सकते हैं, एंड वो भी अपने फ़ोन को बिना रूट किए हुए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये कैसे करना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास रोग फोन 2 है एंड ये रोग फोन 3 नहीं है, एंड ये आपको पीछे से बेटर पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे ऑन करना है। तो रोग फोन 3 के आर्मरी क्रिएट को एक्टिव करने के लिए आपको बस अपने फ़ोन को लेटेस्ट वर्सन में अपडेट करना होगा, जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा नया वर्शन आ चुका है, एंड इसका जो वर्शन आप वो देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए इसे अपडेट कर लेते हैं, एंड इसे होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो चलिए इसे स्किप कर देते हैं। A few moments later, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन अपडेट हो रहा है, एंड अपडेट होने के बाद आपको अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करना होगा। एंड ये हमारा अपडेट अभी कंप्लीट हो रहा है, एंड ये हमें मैसेज आ चुका है कि हमारा फ़ोन पूरी तरह से अपडेट हो चुका है। तो चलिए आर्मरी क्रेट को अब ओपन कर लेते हैं, एंड ये दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, एंड इसका साउंड जो है वो कमाल का है। मतलब जब मैंने पहली बार इसे खोला था मैं आपको वो एक्सपीरियंस बता नहीं सकता कि मुझे कैसा फील हुआ था। एंड इस एक्स बटन को टच करते ही इसका जो एक्स मोड है वो ऑन हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका ग्राफिक यूज़र इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है, बिल्कुल रोग फोन 3 की तरह ही। तो यहाँ पे आपको इसका रिमेनिंग टाइम, इसका स्टोरेज, इसका रैम, इसका CPU फ्रिक्वेंसी, टेम्परेचर, इसका GPU फ्रिक्वेंसी एंड टेम्परेचर सब कुछ देखने मिलेगा। एंड देख सकते हैं आप साइड में हमारे जो पुराने सेटिंग्स है वो अभी भी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं सिनेरियो प्रोफाइल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कलरफुल हो चुका है, एंड जो पहले हमारे एक्स मोड में डिफ़ॉल्ट एंड अल्टीमेट सेटिंग था वो अभी लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 हो चुका है। एंड बाकी सेटिंग्स भी यहाँ पे जैसे कि CPU फ्रिक्वेंसी, टेम्परेचर कंट्रोल, मेमोरी क्लीनर, तो ये बहुत ही ज़्यादा कलरफुल हो चुका है पहले से, एंड बहुत ही गॉर्जियस दिख रहा है। आपको डिस्प्ले में एक नया ऑप्शन मिला है जो कि है ऑटो, तो आपको इसमें मैन्युअली सेट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ये गेम को डिटेक्ट करके अपने हिसाब से सेट कर लेता है, जो कि बहुत ही बढ़िया अपडेट है मेरे ख्याल से। तो ये है हमारा टच सेंसिटिविटी सेक्शन, तो चलिए इसको डाउन कर लेते हैं। एंड ये हमारा परफॉर्मेंस, नेटवर्क, एयर ट्रिगर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट इसमें किया गया है, तो उसे मैं चेक करके उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे हमारा है की मैपिंग एंड मैक्रो, एंड यही हमारे सारे सेटिंग्स है, तो इन्हें सेव कर लेते हैं। एंड तो चलिए बैक करते हैं। एंड इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये लैंडस्केप मोड के अलावा पोर्ट्रेट मोड में भी काम करता है। तो चलिए हम अपना एक्स मोड ऑफ कर लेते हैं, एंड 1 2 3 गो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पोर्ट्रेट मोड में भी कमाल का लगता है। एंड इस पूरे नए अपडेट के बारे में एक नया वीडियो आने वाला है कि ये कितना स्टेबल है, इसमें क्या क्या नई फैसिलिटीज़ आई हैं, एंड आपको इसमें क्या क्या नया देखने मिलेगा। तो उसे देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आप वो वाला वीडियो मिस ना करें। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके पास रोग फोन 2 है, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल गेमर ऑफ टेक को फ्यूचर में ऐसे ही बहुत सारे नए वीडियोस देखने के लिए। एंड मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।